भैया बता रहे हैं टाइगर यहाँ पे टिक जाता लेकिन टाइगर का एरिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट आ गया है इसलिए शायद टाइगर नहीं दिख पाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था एलिफेंट हमें। बिल्कुल ही अलग तरह के जंगल में आ गए, मतलब जंगल तुरंत तुरंत बदल जा रहा है। अभी जहां हम चल रहे थे वो लोकेशन बिल्कुल अलग था, कि बहुत डेंस है, बहुत घना जंगल। लेकिन भैया बता रहे हैं कि यहां पे टाइगर की साइटिंग होती है और होती रहती है, यहां हमें टाइगर दिख सकता है। और शाम काफ़ी हो गया है, सूरज डूब चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। शायद जब हम इस रास्ते से जब लौट रहे होंगे तो अंधेरा हो चुका होगा, लेकिन हम ये चांस ले रहे हैं कि ये टाइम होता है जब टाइगर जो है मूवमेंट करता है, निकलता है, तो शायद हमें टाइगर इस वक्त दिख जाए। आती 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 बिल्कुल सामने आती है, बिल्कुल सामने आती है, बिल्कुल सामने आती है। दो दो तीन तीन हाथी खड़े हैं, दो दो तीन तीन हाथी है, बिल्कुल सामने हाथी खड़े हैं। बैठो 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 पूरा झुंड था। दूर तक भगा सकता है मैं? तो पहले तो हाथी पूरा अचानक से मिल गया मैं सामने, हम गाड़ी बैक करके अब निकल रहे भाग रहे, क्योंकि वो हमारे सामने ही आ रहे थे। वो खतरनाक हो सकते हैं, फिर ले लेना बैक चाहे, बस गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो बैक चलते हैं, अब हम बैक में वो ट्राई कर रहे हैं। टाइगर इधर रहता है ना? ये बता रहे टाइगर का ही जगह है, ये टाइगर का ही जगह है। अभी हम ना नॉर्मल जा रहे थे, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल चलते हुए जा रहे थे और अचानक से ये इतने सारे हाथी दिखे हमारे को। यहाँ पे खूब सारे हैं पीछे, और ये बिल्कुल हमारे सामने है ये हाथी, ये जंगली हाथी। और ये देखो इधर भी है, ये सारे मडबात ले रहे हैं। अरे बाकी इधर कोट करना है, ग्रीन पाउडर लगा रहा है। ये देखो उस वाले को वो जो वहां पे अपने को दूर फेंक रहा है। वाह, सारे मडबात ले, मडबात चल रही है भाई। ये देखो, ये देखो टाइगर हो गया ना। इसको जूम करो ना यहाँ पे, भैया बता रहे हैं टाइगर यहाँ पे टिक जाता लेकिन टाइगर का एरिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट आ गया है इसलिए शायद टाइगर नहीं दिख पाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था एलिफेंट हमें। मंदालती स्रोत तो भाई अभी है हम मंदालती स्रोत पे। हल्दूपराव में अगर टाइगर देखना होता तो सब लोग इधर आते हैं, यही टाइगर का पॉइंट है। और इसी जगह पे भैया बता रहे हैं कि टाइगर दिख सकता था, लेकिन क्योंकि हाथी के झुंड आ गए सारे इसलिए टाइगर यहाँ से डिस्टर्ब होकर चला गया है। यहाँ से देख नहीं पाए तो चले गया, चले वहाँ पे, वहाँ से डैम का पानी दिखता है? कुछ नहीं दिखता ना, वो चाहने बस हाई बैंक। देखो एलिफेंट आगे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से, हम चाहे तो पीछे जा सकते हैं अभी। तो बस हमें आधा एक किलोमीटर और आगे जाना था, वहाँ पे मचान तो नहीं है ना, डैम का पानी दिखता है। सुशील जी गाड़ी बैक करके ले लो आप। अरे सर उनका रास्ता सिर्फ वहीं आगे निकलने का, वहीं आगे निकलने का है ना। अच्छा, मजाक नहीं चल रहा, ये जाएंगे वो जाएंगे। ये समझो कि इसी जिंदगी और मौत है ये सामने साक्षात। ये तो सूंड से पकड़ेगा एक सेकंड में, धूम। बहुत रिस्क है इनके साथ, डर ही लगता है। उसने अभी हवा से ना अपनी सूंड में फूंक मारी और ऐसे तेरी बहुत सही है। देखो थोड़ा और पीछे करना, हल्का सा थोड़ा सा पीछे करना। तो ये समझो आपके नज़र में आज हाथी दिखने दे, आज तो कुछ नहीं दिखता, हाथी भी नहीं दिखता है। तीन दिन तक इससे होता है तब भी नहीं मिल रहा। अच्छा, इनका पूरा ग्रुप ही है। भैया बता रहे हैं कि आपके नसीब में हाथी है,
कि आप इतना इस तरह से हाथी देख पा रहे हो। नहीं तो लोग तीन तीन चार चार बार रुकते हैं, लेकिन इतने नज़दीक से क्या दूर से भी हाथी नहीं देख पाते हैं। और हम ये तीसरी बार हाथी देख रहे हैं, हाथी का झुंड देख रहे हैं तीसरी बार। जहाँ से निकले हाँ, जहाँ से भी निकले वहाँ से ही हाथी दिख रहा है भाई। बम्पर सफारी हो रही है, मज़ा आ गया आपकी सफारी में। और अभी तो रियल थ्रिल बाकी है, जैसे जैसे जंगल जाग रहा है, अंधेरा हो रहा है, अभी तो हम एक्साइटिंग है कि कब अपने फॉरेस्ट स्टार्स पहुँचेंगे और वहाँ पे उन हाथी को देखेंगे जो बहुत सारे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं और जान के नीचे खड़े हुए हैं। हल्दुप्रा इधर भी हाथी है, इधर भी। मैं फिर बोल रहा हूँ अगर आपको सफारी करनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वरना व्हाट्सअप का भी लिंक आ रहा है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ लंगूर भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखो ये लंगूर बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर हाथी है क्या बोल रहे हो, तो सारे लंगूर उधर पर पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये तो हमारे पीछे भाग रही थी दास, ये तो वैसे मड बात कर रहे, थोड़े दूर चले गए हाथी, पहले यहीं पे थे। हम भी हाथी हैं, हमारे पीछे बैठ जाओ। शाम होता जा रहा है और हमारे सामने अभी ये हाथी है। टाइगर तो नहीं दिखा हमें, लेकिन हाथी भर भर के दिख रहे हैं। ये पीछे देखो कितने सारे हाथी हैं, मतलब खतरनाक हाथी, जंगली हाथी। और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में अंधेरा होने वाला है। और पीछे इतने सारे हाथी हैं यहाँ पे। हम इस रास्ते अभी और पीछे जाने वाले थे, लेकिन अभी वो हाँ टाइगर का मूवमेंट भी हो सकता है यहाँ पे। हवा टाइट हो जाती है, बता रहे हैं टाइगर का ही मूवमेंट हो सकता है। मतलब जब मैं पहली बार गया था ना सफारी पे, मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि टाइगर ना दिखे। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मैं इतना डर रहा था कि टाइगर ना दिखे भगवान। नहीं तुम क्यों डरते, वो उनकी तो हालत खराब हो गई, ये तो गाड़ी के अंदर बंद थे, शीशे चढ़ा के हम ऊपर थे, ऊपर थे भाई साहब। तो आप ये टूरिस्ट के साथ है, किसी थे? नहीं भाई, स्टाफ थे हमारे। अच्छा, स्टाफ के लोग थे। तो तुम भी तो जीप पे बैठे थे? मतलब घर जा रहे थे पिकअप गाड़ी, घर जा रहे थे पिकअप पे। और ये पिकअप गाड़ी लेकर था, पिकअप गाड़ी थी। अगर चिर जाए ना तो ऊपर से झपट्टा मार देता। किल किया था उन्होंने ना। अच्छा, चार एक अच्छा किल थी साथ में, 10 मीटर से 10 मीटर के दायरे में। तो मां बेटे होंगे, वो बच्चे होंगे, मतलब उसके बड़े-बड़े सावक होंगे। हां, तभी रहते हैं चार एक साथ। वैसे चार, वैसे टाइगर ऐसा होता है, चार तो रहती नहीं एक साथ। टाइगर झुंड में नहीं जाता। नहीं, फैमिली थी, फैमिली थी, उन्हीं के बच्चे होंगे। बच्चों भी कहते, बच्चों भी तो ठीक ठाक हट्टे कट्टे थे। एक मिनट, कॉल है क्या? नहीं नहीं, मोर भी है, मोर बोल रहा है। और सामने किंगफिशर आके बैठा है उस पे पेड़ पे, नीचे की तरफ ही दिख रहा है। मैंने भी लाइफ में चार टाइगर पहली बार देखे उस दिन। जंगल में देखे थे आमना सामना, मतलब बाहर जा रहे थे आप लोग? हम बाहर निकल रहे। अच्छा, किल कर रखा होगा उन्होंने। रोड पे ही गया था, बिल्कुल सड़क पे ही, सड़क पे ही पड़ा था किल। हाँ, 5 मीटर पे किल था और 10 मीटर पे बैठा था। वो तो वही छोड़ के जाएगा ही नहीं, कहीं पे वही रहेगा। बहुत बढ़िया भाई। एलिफेंट लेकिन थोड़ा सा दूर हुआ है हमसे या फिर वापस नज़दीक आ रहा है? दूरी हो गया, ये है ये भी रखना आसपास का। ये अभी नहीं आएगा, थोड़ा इनके दूर होते पीछे पीछे आएगा, क्योंकि टाइगर इनके चक्कर में जरूर आता है, झपट्टा मारने के लिए। बच्चे है ना, बच्चे को उठा लेता टाइगर। अच्छा, एलिफेंट पे? हाँ, पर भदनी चिपट जाती होगी उस पर। वो तो लेके कहाँ का कहाँ कूद जाता है, तो बहुत खतरनाक चीज है। तो कम से कम 5 क्विंटल वजन ले जाने की क्षमता रखता। अच्छा? है हाँ, 5 क्विंटल वजन ले जाने की क्षमता रखता है टाइगर। अच्छा जी भाई साहब, तो इतना बड़ा बैल लेगा जितनी बड़ी हमारी ये जिप्सी है, इतना बड़ा बैल उठा के ले गया था। सब देखते रह गए थे। बहुत खतरनाक होता टाइगर, टाइगर ना दिख जाए। मैं बोल रहा हूँ, तुम पहली बार मतलब देखा उसमें? देखा रणथंभौर में? मैंने टाइगर 8-10 बार देखा। 8-10 बार? हाँ, तो बढ़िया फिर लगाने के बाद। शील जी बता रहे हैं कि क्योंकि हाथी है यहाँ आसपास, तो टाइगर भी यहाँ आ सकता है, क्योंकि हाथी के साथ हाथी के बच्चे हैं और उनके पास वो झपट्टा मारने के लिए, हाथी स्लो होते हैं या उनके बच्चे स्लो होते हैं, तो टाइगर जो है आसपास घास जरूर लगाता है और दिखने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं टाइगर के। तो हम लोग अभी बेसिकली यहाँ पे सामने हमारे हाथी है, एलिफेंट का झुंड है, और हम अभी हम लोग यहाँ पे टाइगर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे जो है साइड में जो है यहाँ पे पानी भी है। हम यहाँ पे इसलिए भी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने हाथी है, और एक हाथी का झुंड जो अभी हमने पहले देखा था पानी के पास, वो झुंड भी हमारे रास्ते में आ सकता है। आई का रास्ता जो है काफ़ी पतला है। यहाँ पे एलिफेंट एक्सपेक्टेड नहीं थे, जैसे मैंने बताया कि टाइगर एक्सपेक्टेड थे। अब यहाँ एलिफेंट आ गए हैं, आगे भी एलिफेंट होने के चांसेस हैं, तो हो सकता है हम लोग फंस जाएंगे। तो हम थोड़ी देर यहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ तो एक बार टाइगर आ जाए तो ये एलिफेंट थोड़े से दूर हो जाए या उम्मीद कम हो जाए। लेकिन
अच्छा ये गुस्से में है अभी जा नहीं रहे हैं। एलिफेंट गुस्से में ना अभी जा नहीं रहे। खा भी तो सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, कर तो थोड़ी होगा। आप में से कोई है जो ये जानता है क्या है? मुझे ये मिला है अभी यहाँ पे जंगल में। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये प्योर है। ये प्योर है क्या? ये जरा जो जानता है वो जरा पता करे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताए। मैंने देखो ये क्लोज कर दिया कैमरे में, कि क्या है प्योर प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। आती है जंगल में ना, मैं डोरमेट्री में जाता हूँ उसमें रुकता हूँ ना डोरमेट्री में, तो उसके ना ट्रेन के डिब्बे की तरह है सीट रबड़ से की, तो पता नहीं हम ना ऐसे सोते रहते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 12 लोग एक ही रूम में, तो ना पीछे टाइगर घूमता ही रहता है वो तो डोरमेट्री खतरनाक है पूरी रात पता नहीं क्या। और पता कोई भी बाथरूम तक नहीं जाता उसका, बाहर बाथरूम है लेपर्ड मतलब आ जाता है ना लेपर्ड, इतना अंधेरा रहता है, इतना खतरनाक सीन बनता है ना, बस बहुत बुरा हाल है। अरे सुशील जी ये एलिफेंट लगता है इस तरफ आ रहा है इधर घूम के, आवाज़ आ रहा है इधर कौन से वाला कोई तो आ रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है लकड़ियों की टूटने की, कहीं सामने रास्ते में ना आ जाए। चलो ना अभी तो वहीं रेत उठा लेंगे, सामने रास्ते में दिख जाए कहीं, अंधेरा हो गया करीब करीब बिल्कुल। और आपको कैमरे में ज़रूर आपको लाइट दिख रहा हो, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। मतलब कैमरे की लाइट में आपको दिख रहा होगा रास्ता सा दिख रहा है, लेकिन नॉर्मली अभी जो है ना यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा फीलिंग हो गया है। हमें जाना था और पीछे थोड़ा सा, लेकिन अब हम नहीं जा रहे हैं, हम अब यहाँ से लौट रहे हैं। टाइगर साइटिंग का चांसेस था, लेकिन एलिफेंट साइटिंग हमारी ज़्यादा हो गई, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। बता रहे हैं कि यार 3-3, 4-4 दिन लोग वेट करते रहते हैं, उनको एलिफेंट और एलिफेंट का झुंड दिखता नहीं है। उम्मीद करते हैं हमें आगे फॉरेस्ट हाउस में दिखेगा। ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है अभी।